हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए सुनो चंदा के लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन का रिएक्शन। और ये काइंड ऑफ वेडिंग सीन है, तो देखते हैं कैसा होता है। लोगों ने बताया बहुत जबरदस्त है। सुनो चंदा का सीजन वन है ये, तो सीजन वन के बहुत ही कमाल के जो हैं आप कैसे, तो फनी सीन्स हैं। अरसल और जिया के बहुत फनी सीन्स हैं, साथ में शाहना के भी हमने देखे, वो भी बहुत कमाल के थे। तो अब हम देखने आए कि यहाँ पे इसका जो वेडिंग सीन है उसमें क्या होता है। और लास्ट में उन दोनों के, हमें ये तो पता ही था कि दोनों की वेडिंग होने वाली हो रही होती है, तो वो कैसे होती है। और दोनों हमेशा ही लड़ते रहते तो यहाँ पे इनकी शादी कैसे होगी वो चीज देख लें। मुझे सुनो चंदा की सबसे अच्छी चीज यही लगती है कि इसमें ना छोटी छोटी चीजों पे वो होती है ना हल्की सी लड़ाई या वो होती है, और मतलब बेसिकली थोड़ी थोड़ी टीज करते हैं ये दोनों, वो मुझे बहुत ज्यादा फनी और अच्छे लगते हैं। और मुझे ऐसे नहीं लगता कि ये कोई रोमांटिक ऐसा ड्रामा सा है, मुझे फनी ड्रामा लगता है क्योंकि हमने इसकी स्टार्टिंग से फनी डायलॉग्स पे सीन्स पे रिएक्ट करा है। और मैं तो ऐसी थी लिटरली, जब हमने शायद लास्ट पे रिएक्ट करा था, मैं तो लोट पोट कर पागल हो गई थी, इतने फनी लगे मुझे। तो आज भी हम लोग फनी ही सीन्स पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। भाई तो देख लेते हैं कैसा होता है, तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मुझे अब तुम गाना खुदा की कसम मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। ये शादी वाले दिन भी लड़ ही रहे वरुण। तुम पत्नी मत करो, मैं यहां से उठ के चला जाऊंगा। सब लोग हैं क्या बकवास कर रही है मेरे साथ। मैंने इससे सिर्फ यही कहा, मुझे आपके यही समझा रहा हूँ। उस वक्त जंगली बिल्ली की तरह पीछे पड़ गई है। दोनों है ये जो तेरी हेडमास्टर, घर जाके तू झाड़ देना, सारे मेहमान देख रहे हैं, अभी यहाँ स्यापा करने की क्या जरूरत है। हाँ, क्या मसला पड़ गया है, सब लोग देख रहे हैं। बीजान आप अपनी ये लाडली पोती को समझाए, दिमाग खराब हो गया। कह रहे करनी नहीं मेरे साथ रुखसती। वही 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 लो जी, कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। बच्चों के अपने फैसला देगा तू, रिजल्ट तू ऐसा ही आएगा था ना। जलाल है ये, तुम्हें को दूसरा चंकी पांडी लग रहा पांडे लग रहा है। बीजान आपके ये जो नवाब साहब है ना, ये चाहते हैं कि मैं इनसे आपसे मुखातिब हूँ। है तो कह दो ना आप, इसमें ऐसी क्या बात हो गई। जी बीजान समझाए इसे, ऐसे भड़क रही है जैसे मैंने कोई आसमान से तारे लाने का कह दिया। अच्छा चुप कर जा, चल जिया कुछ नहीं होता, मगरोला है, बस जल्दी से ऐसे सॉरी बोल दे। सॉरी नहीं, इसे कहे पूरा सेंटेंस बोले, आपसे अब बदतमीजी नहीं करूंगी, सॉरी। ओहो जिया बेटा बोल दो ना, मेरा बीपी लो हो जाएगा बेटा। सॉरी नो, इसे पूरा पूरा सेंटेंस बोले, आपके साथ बदतमीजी नहीं करूंगी, सॉरी। बीजान देख ले अब, आप देख ले। चलो बेटा बोल दो जो कह रहा है, आखिर को शौहर है, उसकी बात मान लो तुम। जिया जल्दी से बोल दो ना, वो मेहमान को देख लो ना। सॉरी मैं अब आपसे बदतमीजी नहीं करूंगी। कितने क्यूट है ये। चलो अरसल बेटा, अब तुम भी उसको यही सब कुछ कह दो। बीजन मैं ये कि मैं आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा, सॉरी। वेरी गुड, बीवी है तुम्हारी, ये बराबरी का रिश्ता होता है बेटे। बीजन सर को पूछो, सर को बोलो ना, बोलो बच्चे बोलो। सॉरी मैं अब आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा। वाह चलो बोल शाबाश। मैं आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तुझे तो मैं कुछ तो कर जाके बैठा। क्या जरूरत है तुम्हें यहाँ पे सबके सामने बैठ कर ये फरमाइशी प्रोग्राम शुरू करने की। आप बोलो मुझे, आप बोलो मुझे, आप बोलो। तुम हो नॉमड़ी, मैं दिल के हाथों मजबूर ना होता ना, मैं मुंह ना लगाता। अगर मैं दिल के हाथों और खानदान के हाथों मजबूर ना होती ना, तो पहाड़ी बकरे तुम्हारी शक्ल। पहाड़ी बकरे ये हेट तो नहीं करते, इतना तो पता है। जलाल ये क्या हो रहा है स्टेज पर, पठानबाजी हो रहा है तुम्हारा भतीजा और भतीजी के दरमियान। ये चंकी पांडे जैसे नहीं लगते तुम। एक बात अब तुमको बताए, हमको लगता है ये शादी ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं। ना ना करे, क्यों ऐसी बातें करते हैं। कैसे ना करे, एक काका गोला तो दूसरा आतिश पता। दोनों लोग स्टेज पर आराम से नहीं बैठ सकता, शादी के बाद तो बंदूक लेकर घूमेगा एक दूसरे के पीछे। अभी उम्र छोटी है, खुद ही ठीक हो जाएंगे। चलो तुम भी इधर है,
हम भी इधर देखते हैं। अच्छा दूध की रस्म हो रही है, मैं जाके देखती हूँ। आ जाओ, हम भी आते हैं। ये इंटरेस्टिंग कैटर है बहुत। ले आए भाई, और माशाल्लाह 15,000 क्या लिखा हुआ है? ये क्या सीन है भाई? इधर 1,00,000 का और दूध का ग्लास 1,50,000 का। ओ आप किसे पूछ रहे? ये तो भूल गुल्ला गुंडा करती है अम्मा। हाँ पुत्र। अम्मा। हाँ बेटा, ये इतने में तो ना पूरी माजा आ जाती है हमारे गांव में। हाँ तो पूरी माजा है या पैसा है, या पैसे देने पड़ेंगे शाना। अरे आवा जी, सारे जो है ना यहाँ पे नवा कट्टा खोल के बैठ गए मेरे बच्चे के खिलाफ है। मासूम। वाह भाभी जान, खजूसी मत करो, खुशी का मौका है, खोल दो अपने खजाने का मुंह और बता दो दुनिया को। ओए अरसल पुत्र, अल्लाह ने पे दे 1,50,000 ते, मैं देना, मैं तेरा मामा यार, तू मेरा प्यारा यार। नहीं मियां, ये तो बस ऐसे हंसी मजाक है। असल बेटा, जो तुम्हारा जी चाहता है ना, वो अपनी खुशी से दे दो। शाबाश। दूध की छोटी बोतल चाहिए तो 1,00,000 और बड़ा ग्लास चाहिए तो ये बेटा पूरा वॉलेट तेरा, घर जाके तक वैसे मैंने तेरा खाली करा और वो खाली होगा। निकल। नहीं नहीं बड़ा लग रहा था। मखौलिया दूल्हा फटा। उनको ऑफर कर रहे हैं। ये रस्म होती है पाकिस्तान में दूध पिलाने की? होती होगी, हमारी से भी तो होती है, सुहागरात से पहले वाला। वो अलग होता है। ये अलग है। कैसे फैमिली फोटो बना रहे हैं। चलो ओके 1,2,3 बशीर खुशी। आ गया टाइम फाइनली सुहागरात का। कभी भी लड़ेंगे ये लोग पक्का। वाह मस्त बैठी हुई है। पूरे बेड उसका जोड़ा ही है वो लहंगा। क्या हुआ है? क्या बदतमीजी है जिया? हाँ और जो आज स्टेज पे तुमने नौटंकी की है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? सुनो जिया, ये वे ऑफ टॉकिंग अब नहीं चलेगा, ये मैं तुम्हें पहले से समझा दूं। नहीं नहीं अरसल, तुम देखो मैं हमेशा से ऐसी थी और हमेशा ऐसी रहूंगी, तो मुझे समझाने से बेहतर है कि तुम खुद को समझा लो। अब देखो जिया, लड़कियों को ही अपने आप को सेटल करना पड़ता है अपने लाइफ के मुताबिक। तुम कोई अनोखा काम तो करने नहीं जा रही इस दुनिया में। अरसल मैं अजिया नजाकत अली, ठीक है, आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ, तो keep that in your mind. और मैं अरसल जमशेद अली हूँ, इज्जत करना भी जानता हूँ और इज्जत करवाना भी जानता हूँ, keep that in your mind. जो तुमने आज इज्जत अफजाई मेरी कराई है ना शादी हॉल में, उसके बारे में तुम्हें तो मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन पूरी जिंदगी में तुम्हें माफ नहीं करूंगी। देखो जिया, तुम फिर बदतमीजी कर रही हो, यू बेटर स्टॉप। ओके मैं बदतमीजी कर रही हूं? हां क्या बकवास क्या कर रहे हो तुम? तुम अपनी बकवास बंद करो। अगर नहीं करोगे तो क्या कर लोगे? क्या 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 मुंह क्या? हां मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अभी। अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो। शायद तुम भूल गए हो, अब ऑफिशियली ये कमरा मेरा है। वाह ऑफिशियली अनऑफिशियली मैं कुछ नहीं जानता, मेरे कमरे से बाहर निकलो, ये बचपन से मेरा कमरा है। तो तुम निकल जाओ ना अभी, अगर तुम्हें मुझसे इतना दूर रहने का शौक हो रहा है तो। क्या देखो मुझसे बदतमीजी मत करो, अच्छा नहीं होगा। क्या करोगी तुमसे बदतमीजी, क्या कर लोगे? और ये क्या पूरे बेड पे ये क्या फैला रहा है? मेरा जोड़ा है और ऐसे ही फैला रहेगा। वो कहां से बेचारा। चलो बस, नहीं तो खुद बाहर चले जाओ, बल्कि मुझे लग रहा है कि मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मुझे सो जाना चाहिए। कितने ड्रामे मार रहे यार। जिया पूरा फैल के सो गई, इसके लिए जगह तक नहीं है बेचारा, सुहागरात में चेयर में बैठा हुआ है बेचारा। अरसल के बच्चे ने तो लगता है शादी रोब जमाने के लिए की है मेरे साथ, जरा भी लिहाज नहीं किया। चंद घंटों की दुल्हन का कैसे इंसल्ट करवा दी मेरी सबके सामने इस जंगली ने। जंगली ने तो नजाकत चाचा की बेटी, लेकिन अपने रिश्ते की नजाकत को कभी नहीं समझेगी। नजाकत क्यों देती मुझे वो रिस्पेक्ट जो एज अ हस्बैंड मैं डिजर्व करता हूँ?
लगता है ज्यादा ही बदतमीजी कर दी मैंने इसके साथ। ओ। क्या था, मान लेती उसके बाद। ओ, एकदम से बदल गई। पागल खुश हो जाता, पागल खुश हो जाता। अब मुंह खुलाकर बैठ गया दूसरी तरफ। इतनी सख्ती से नहीं कहना चाहिए था मुझे। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मुझे भी आपसे। मैं भी कुछ ज्यादा ही हाइपर हो जाता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे वो तुम्हारे। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आइंदा ऐसी बात ना करूँ। कोशिश करूंगा कि वैसे दोबारा ना। वाह। ओह नाज़ो क्यूट। लेकिन बहुत सख्ती से बात की थी। वैसे एक बात है, मैं बहुत प्यारी लग रही। थैंक यू। तुम सारे आज फिर तुम्हें कहूँ। क्या? चंदा। अरसल बदतमीजी ना करो, चुप करके वहाँ जाके बैठो दोबारा। चंदा। प्यार से कह रहा हूँ। अगर फिर तुम्हारा प्यार से तुमने मुझे चंदा कहा ना, तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, क्यूटली छेड़ रहे। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा, ऐसा नहीं करो ना। इतनी क्यूट और प्यारी एंडिंग थी, लाइक इतना जबरदस्त लगा था, लाइक क्या जबरदस्त पाकिस्तानी ड्रामा, इतना फन कॉमेडी और एंड तक कॉमेडी हो रही है। दोनों लास्ट तक झगड़ते जा रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, बट वो लास्ट में उनका वो प्यार आ ही गया एक तरीके से। एंड लाइक वो चंदा उनके लिए वो ट्रिगर वर्ड था, जैसे मतलब चंदा तो वो जो भड़की है वहाँ पे उसी टाइम पे, बट उसी टाइम पे फिर वो बार बार उसको उसी तरीके से प्यार से बोल रहे थे, तो वो उनको सही लगने लगा। एंड वो बहुत प्यारी दोनों के दोनों एक तो थे ऐसे कि ना, जो वो लड़ रहे थे तो वो बच्चों की तरह लड़ रहे थे, तो प्यार भी उनका बच्चों के जैसे ही था, तो बहुत क्यूट लगा था, बहुत मजा आया देखने में। मुझे भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगा और दोनों वो इतने ज़्यादा प्यारे, इतने छोटे बच्चों जैसे वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, आप बोलो आप बोलो, सीरियसली आप आपके लिए लड़ने लगे। और फिर उनको दोनों को रियलाइज हुआ कि हाँ उन दोनों ने मिसबिहेव करा, उसको हर्ट हुआ, उसको दोनों को हर्ट हुआ, तो दोनों ने सॉरी बोला, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी। और फाइनली एंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी, पहला कोई पाकिस्तानी ड्रामा है मतलब जिसकी इतनी प्यारी एंडिंग हुई है, वरना तो रोना धोना ही होता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वही बहुत कमाल करता है एंड किस तरीके से, लाइक वो इकरा अजीज की स्माइल है, लाइक इकरा अजीज पे तो किसको क्रश ना हो वैसा हो जाता है। बहुत क्यूटली वो हंसती है, गुस्सा भी बहुत क्यूटली करती है, वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ओवर क्यूट लगते हैं। वही सेम अर्सल ने भी उस तरीके से ही वहाँ पे उसको पूरा सपोर्ट किया, तो बहुत कमाल का लगा। आप लोगों को कैसा लगा आपको जरूर बताएगा, और इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।